बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान ब्राए जमात नहमो-दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मजीद तालीम हासिल करें। वालदेन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालदेन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज 2.2 ही को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 को ही कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम लोग आज क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज। विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्वेश्चन नंबर 3, गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। सो एज लाइक इन द प्रीवियस क्वेश्चंस, दिस क्वेश्चन इज द सेम इन विच वी हैव टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज 24, अंडर रूट 24 प्लस 0 इक्वल्स अंडर रूट 24। ठीक है। आपके पास ये एक क्वेश्चन है। आपको एक और भी मैं बात बताता चलूँ, शायद मैंने पिछले लेक्चर्स में अपने ना ये बात बताई हो कि जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है, वो जीरो होती है। एडिटिव आइडेंटिटी इज जीरो एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन होती है और एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है। ठीक है। यहाँ पे चूंकि ये जीरो है तो हम लोग इसे क्या ऐड हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे एडिटिव। जीरो को हम आइडेंटिटी कहते हैं, तो आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी इसमें पाई जाती है। ठीक है। सो योर सेकेंड क्वेश्चन इज -2/3 5 + 7/2 इक्वल्स -2/3 इंटू 5 + -2/3 इंटू 7/2। ये आपके पास प्रॉपर्टी है। ठीक है। परेशान नहीं होना। ठीक है। ये हमने जब इनके साथ मल्टीप्लाई किया तो अब एक चीज तो हमने वाजे हो गई, हमने पिछले क्वेश्चन से भी किया कि ये है डिस्ट्रीब्यूटिव, ब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। ऑफ मल्टीप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। जब हमने इनसे मल्टीप्लाई किया तो हमें ये चीज पता चल गई कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन को शो कर रहा है। ठीक है। अब इसका कैसे पता चलेगा कि आगे इसके हमने और क्या चीज, कौन सी प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है? ये देखेंगे प्लस का निशान, जब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया -2/3 को 5 के साथ अलग से मल्टीप्लाई किया, प्लस का निशान यहाँ पे आया। -2/3 को हमने 7/2 के साथ अलग से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये -2/3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमें पता चल गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे मौजूद थी। ओवर ओवर एडिशन, चूंकि यहाँ पे एडिशन है इसलिए हम लोग ये चीज भी ऐड करेंगे। ओवर एडिशन यहाँ पे लफ्ज आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। सो ये होगा प्रॉपर एक प्रॉपर्टी का नाम। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको इरेज करके मैं बाकी पार्ट्स 3 जो है वो करवाता हूँ। ठीक है। सो नेक्स्ट इज
थ्री पार्ट एंड थ्री पार्ट इज प्लस पाई प्लस माइनस पाई इक्वल जीरो। अब आप चेक करें कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में और प्रीवियस लेक्चर में ये बताया कि माइनस पाई इज द इनवर्स ऑफ पाई, इस तरीका से लिखा जा सकता है ये, ठीक है। इसका भी मतलब माइनस पाई ही होगा, ठीक है। सो यानी ये इनवर्स कहलाया जाता है, इसलिए मैं इसके आगे ये कह दूंगा, चूंकि यहाँ पे प्लस है तो मैं लिखूंगा एडिटिव और आगे इस चीज को क्या मैंने कहा था इनवर्स, यानी इसमें कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी, ठीक है। सो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को प्रॉपर्टीज की पहचान भी होती जा रही होगी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अब है हमारे पास अंडर रूट थ्री डॉट, अंडर रूट थ्री डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, इट्स अ रियल नंबर, इज अ रियल नंबर। उसने ये क्वेश्चन में ही बता दिया कि ये रियल नंबर है, ठीक है। सो अपनी बुक का पेज नंबर आप लोग ओपन कीजिए, 40 पेज नंबर ओपन कीजिए और उसमें आपको एक प्रॉपर्टी नजर आ रही होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी इसमें लिखा हुआ है ए बी जो है बिलोंग्स टू आर है, आर मीन्स रियल नंबर, ये चीज लिखी हुई है, ए बी जो है बिलोंग्स टू आर एंड आर मीन्स रियल नंबर, रियल नंबर्स, ठीक है। एंड ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना उल्टा ए, ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी सब जितने भी ए और बी की जगह नंबर्स आएंगे वो किससे बिलोंग करते होंगे, रियल नंबर से। तो यहाँ पे उसने हमें बता ही दिया कि रियल नंबर्स आपको पता है कौन से होते हैं, आप लोगों ने सेट्स किए हुए हैं, ठीक है। सो रियल नंबर्स थ्री अंडर रूट थ्री, इसको अगर सॉल्व आउट किया जाए थ्री डॉट अंडर रूट थ्री, सो ये आ जाएगा थ्री स्क्वायर और एक अंडर रूट आ जाएगा, सो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी थ्री आपका आंसर आ जाएगा, थ्री इज अ रियल नंबर, उसने बता भी दिया क्वेश्चन में इज अ रियल नंबर, ठीक है। सो यहाँ पे तो आपको बिल्कुल पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। सो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आपके लिए इस्तेमाल की जाती है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आपको पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू डॉट का मीन्स, मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो ये था आपका ये वाली क्वेश्चन, अब मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूं ताकि दूसरा यहां पे ही कर दूं, ठीक है। सो यहां पे आप लोग देखें कि आपके पास फाइव पार्ट आ रहा है, फाइव पार्ट आपके पास है, फाइव बाई एट माइनस में है और आगे आपके पास है माइनस एट बाई फाइव, यानी ये तो इनवर्स लिया हुआ है ना, देखते ही पता चल गया कि ये उल्ट है, फाइव बाई एट है, यहाँ एट बाई फाइव है, यानी इनवर्स हुआ है, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। सो आपने देखी कि आपके पास वैल्यूज आई कुछ और आपने जब इनको फाइंड आउट किया तो आपको पता चला कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। सो यहाँ पे इक्वल्स टू वन भी लिखा हुआ है, जिसकी वजह से हमें ये पता चल रहा है कि इनवर्स पाया जा रहा है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है, इनको सोल्व आउट करने से, ठीक है। और ये चीज भी बता रही है 5 ओवर 8 और यहाँ 8 ओवर 5 है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोग इसके नीचे लिखेंगे कि इसमें जो प्रॉपर्टी पाई जाती है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी, ठीक है। सो अब हम लोग नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज को देख लेते हैं, एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। सो स्टार्टअप लेते हैं इंशाल्लाह इसी वीडियो में ही एक्सरसाइज 2.3 का। सो एक्सरसाइज 2.3
साइज 2.3. सो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन द एक्सरसाइज आई वांट टू टेल यू अबाउट रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स. ठीक है, सो ओपन योर पेज नंबर 43. इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट रेडिकल एंड रेडिकेंट्स कॉन्सेप्ट. सो ओपन योर बुक्स एंड लुक एट द बॉटम. इफ एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड ए इज अ रियल नंबर. इफ एन इक्वल्स पॉजिटिव इंटीजर means from 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी आप assume करना चाहें इसे कर लें. positive integers आपने किए हुए हैं, z से denote करते हैं और वो होते हैं -(-3, -2, -1) यानी minus की भी सारी values और plus की भी सारी जितने भी हमारे numbers हैं वो सब इसमें add होते हैं. ठीक है, सो ये सेट होता है इंटीजर्स का. ठीक है, सो हमने कौन से लेने हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, अगर जो है एन पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1, यानी आगे उसकी शर्त क्या होगी? ग्रेटर देन 1 यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके के. ठीक है, ग्रेटर देन 1 एंड ए इज अ रियल नंबर. ठीक है, और ए जो है वो कौन सा है? रियल नंबर. ए हमारे पास रियल नंबर है, देन एनी रियल नंबर एक्स. ठीक है, सो उसने कहा कि कोई भी रियल नंबर एक्स सच दैट इस तरह होगा कि आपके पास एक एक्स है उसके ऊपर आपकी एन पावर होगी इक्वल्स आपके किसके आ जाएगा? ए के. ठीक है, इस कॉल्ड द एंथ रूट ऑफ ए. ठीक है, is called nth root of a. So how we will write it in symbolic form? So we will write like that x equals. So in statement they said that then any real number x such that x n equals to a is called the nth root of a. Nth root of a statement form में जो चीज लिखी हुई है वो ये है कि आपके पास कोई भी x रियल नंबर है सो वो इक्वल किसके है? a के nth रूट के. ठीक है, इस बात को उन्होंने स्टेटमेंट में लिख के आपको बताया हुआ है. ठीक है, और इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a, और इसको जब हम लोग रूट जो है वो खत्म करेंगे तो 1/n आ जाएगा. ठीक है, सो हम लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ठीक है, सो मैं आपको एक और चीज बताता चलूँ. ये जो सिंबल है ये वाली अंडर रूट की, इसको हम लोग क्या कह देते हैं? रेडिकल. रेडिकल, रेडिकल साइन इसे हम लोग कहा जाता है, इसे रेडिकल साइन. ठीक है, साइन को हम लोग सिंबल को ही कह देते हैं. एन को हम लोग इंडेक्स कह देते हैं, इंडेक्स. और जबकि जो है इंडेक्स ऑफ द रेडिकल एंड रियल नंबर ए अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकेंट और बेस. ठीक है, और जो ए जो रियल नंबर है अंडर द रेडिकल साइन, जो रेडिकल साइन के अंदर लिखा होगा कोई भी रियल नंबर उसे हम लोग क्या कह देंगे? ए को यहाँ पे ए ही हमने लिखा है तो ए की जगह मैं लिख देता हूँ रेडिकेंट, कैंट, या फिर इसे क्या कह देंगे? बेस. सो ये था इस का कॉन्सेप्ट. ठीक है, सो इस जो डेफिनेशन है कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल और रेडिकेंट ये आपको पेपर में भी बहुत पूछी जा सकती है. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसमें 2-3-4 बातें हैं कि एक्स को एन को हम लोग क्या कह देते हैं? इंडेक्स. ए को हम लोग क्या कह देते हैं? रेडिकेंट और बेस. और जबकि हमारे पास ए जो रियल नंबर होता है, ठीक है, इस साइन को अंडर रूट को हम लोग रेडिकल साइन कह देते हैं. सो इस तरह की इसमें 3-4 बातें हैं और इसको हमने
स्टेटमेंट फॉर्म में इन्होंने लिख दिया, इफ एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड ए इज अ रियल नंबर देन एनी रियल नंबर एक्स सच दैट एक्स एन इक्वल्स टू ए इज कॉल्ड द nth रूट ऑफ ए, ठीक है, एंड इन सिंबल इट इज रिटन एज एक्स इक्वल्स आगे आपका एन nth पावर nth जो है आपका रूट है ऑफ ए अंडर द रेडिकल साइन, ठीक है, और हम लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सो आगे हम लोग इसको कह देते हैं रेडिकल, इसको n को कह देते हैं इंडेक्स और a को कह देते हैं रेडिकेंट और बेस. सो इसको आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करेंगे, ठीक है. सो अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 2.3. तो 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो देखें आप. क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई, ठीक है. उन्होंने हमें क्वेश्चन में बता दिया कि सिंप्लीफाई नहीं करना, जस्ट ये करना है कि जो रेडिकल एक्सप्रेशन है उसे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में लिख देना है और जो कि एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है उसे रेडिकल नोटेशन में लिख देना है, ठीक है. सो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है 1 64 -64 और अंडर रूट के बाहर 3 है और इसको हम लोग किस तरीके से क्या नाम है ये आपकी रेडिकल फॉर्म है, ठीक है. रेडिकल फॉर्म किस तरह है क्योंकि यहाँ पे ये देखेंगे आपका रेडिकल साइन आपको नजर आ रहा है, ये अंडर रूट, ठीक है, ये आपका रेडिकल साइन आपको जब नजर आए तो रेडिकल नोटेशन हुई. सो इसको हम लोग किस में लिखेंगे एक्सपोनेंशियल में, किस तरह -64 और ये जो है 3 इसको हम लोग कर देंगे 1/3, ठीक है. सो ये आपकी आ गई एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, नोटेशन. अब हमारे पास 2 वाला पार्ट है. 2 वाले पार्ट में आप देखें 2 और 3/5 है. किस तरीके से आप लोग करेंगे, आप करेंगे 2 की पावर 3 और 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. कुछ इस फॉर्म में आप इसे करेंगे कि ऊपर वाला जो आपका नंबर होगा उसे आप साइड पे कर देंगे और अगर आप इसको जो नीचे वाला होगा उसको सेपरेट करके लिख देंगे 1/5. अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे आपका आंसर 3 1 3 और 5 का 5 वैसे ही आएगा तो 3/5 ही आएगा. तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है. बात वही है, जस्ट मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, 1/5 को अलग कर दिया और 3 को अलग कर दिया. अब क्या होगा कि अब ये इस फॉर्म में कुछ आ गया, ठीक है, यहाँ 1/5 है. अब मैं इसका ये तो लिख सकता हूँ ना, जैसे यहाँ पे 3 था तो मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, कर सकता हूँ ना मैं ऐसा, मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, ठीक है. यानी जो हमने इसको कन्वर्ट करते वक्त इसको 1/3 कर दिया और -64 ऐसे ही रहने दिया, तो यहाँ पे मैंने रेडिकल बनाने के लिए 1/5 को अलग कर दिया ताकि रेडिकल बन जाए और बाहर 5 आ जाए, ठीक है. और 2/3 को मैंने ऐसे ही लिख दिया अंदर. सो इस तरह आप क्या कर देंगे इसे रेडिकल एक्सप्रेशन में, इसे रेडिकल नोटेशन में कन्वर्ट कर देंगे. अब आप देखें कि अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 करेंगे. सो आपकी थोड़ी सी और बेहतर होगा आपका ये वाला कॉन्सेप्ट, -7 1/3. अब देखें ब्रेथ 1/3 ही आ गया है, ठीक है. सो आप क्या करेंगे, आप क्या कर देंगे, माइनस बाहर कर देंगे, ठीक है, और 7 जो है इसका रेडिकल बना देंगे 1/3 और बाहर आपके रेडिकल में 3 पावर बाहर आ जाएगी, ठीक है, 3 रूट आ जाएगा आपका और आगे आपकी वैल्यू जो है वो अंदर आ जाएगी अंडर रूट की, ठीक है. सो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, इसको रेडिकल नोटेशन में कर दिया, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है y -2/3. y -2/3 किस तरीके से आपका सॉल्व आउट होगा, इसी फॉर्म में आपका क्वेश्चन होगा, वो वाला क्वेश्चन है और आप इसी तरीके इसे सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह आप वो बेहतर तौर पर सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है. आपने इसी क्वेश्चन को मद्देनजर रखना है और जैसे मैंने 1/5 अलग कर दिया आपने क्या कर देना है, 1/3 अलग कर देना है, y -2 बार होगी तो वो एग्जैक्ट वैसे ही अंडर रूट के अंदर आ जाएगी. तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप कीजिए और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है. अब
हम नेक्स्ट जो है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स का कॉन्सेप्ट है, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इसमें भी आपके रेडिकल की जो है ये रेडिकल रेडिकेंट वगैरह इस इन एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस है। ठीक है, सो उसको हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर टू स्टूडेंट्स, हम लोग अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर टू। यहाँ पे आपने क्या बताना है, जस्ट ये बताना है कि ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, सो इधर आपके फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है जी ए 5 1/5, 5 1/5 इक्वल्स है इसके, इक्वल्स है जी ये अंडर रूट 5 के, अंडर रूट 5 के इक्वल आ गया ये वाला। ठीक है, सो इसमें हमने ट्रू एंड फॉल्स का कॉन्सेप्ट बताना है। सो आपको क्या लग रहा है इस फॉर्म में, हमने ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए क्वेश्चन नंबर 1 में, सो इसके मुताबिक क्या ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक है? ठीक है, क्या ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक है? नो, दैट इज फॉल्स। ठीक है, ये फॉर्म नहीं बनती। ठीक है, आपका 1/5 था ऊपर, तो आपने क्या लिखा उसे 1/5 की यहाँ में भी आपने शो किया इस तरीके से, कुछ ये आना चाहिए था कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर हम कन्वर्ट कर सकते थे 5 to 1/5। ठीक है, सो इस तरीके से ये फॉल्स कंसीडर होगा। ठीक, अब आपका क्वेश्चन नंबर इसका 2 है पार्ट, उसमें क्या है 2 की पार्ट 2 और 2/3 सॉरी, और आगे है इसका 4 into 3, 4 और अंडर रूट और ऊपर 3। ठीक है, इस तरीके से है कुछ। ठीक, अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो लिखा हुआ है ये ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। आप इसको क्या कर देंगे, 2 into 1/3 आप इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या कर देंगे, 1/3 तो आपका अंडर रूट में आ गया। ठीक है, अब 2 की पावर 2 आपका अलग रहेगा। अब 2 की पावर 2 जो होती है वो 4 होता है, और ये अंडर रूट के ऊपर 3 वैसे ही आ गया, यानी ये वाली आपकी फॉर्म ट्रू लिखी हुई है। सो आप इसके आगे क्या लिखेंगे, ट्रू। ठीक है, सो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है 49 अंडर रूट इक्वल 7 अंडर रूट। सो क्या आपको लगता है, नॉट, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज 49 अंडर रूट अगर ये कह भी रहे हैं तो आपका आ सकता था 7 का स्क्वायर और अंडर रूट, तो नेक्स्ट ये कैंसिल आउट हो जाते और यहाँ 7 आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अंडर रूट 7 लिखा है। सो ये वाला आपका भी क्वेश्चन फॉल्स हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्या है, अंडर रूट x 27 और बाहर है आपका 3 और इक्वल है ये x3 के, इक्वल है जी ये x3 के। ठीक है, सो क्या आपको ये क्या लग रहा है, ट्रू है या फॉल्स है? सो ये फॉल्स है। किस तरीके से फॉल्स है, कर लेते हैं हम लोग, इसमें कौन सी मुश्किल है, x 27 और यहां आ जाएगा 1/3। सो आप देखें 3 1s are 3 और 3 9s are 27, सो ये x की पावर 9 आती है जबकि इधर 3 दी गई है, सो दैट इज फॉल्स। तो हम लोग क्या लिख देंगे, फॉल्स। सो ये भी आपका क्वेश्चन फॉल्स हो गया, यानी सिर्फ सेकंड वाला पार्ट आपका ट्रू है, बाकी सब क्या है, फॉल्स हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं भी एक इंसान ही हूँ, तो मुझसे भी गलती हो सकती है, सो अगर कोई भी गलती हो जाए तो आप प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू क्वेश्चन। सो अल्लाह हाफिज़।